तो देख सकते हैं किस तरह से करनाल में चार संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा जाता है, उसके बाद CIA वन में उन्हें जरूर रखा गया है मेडिकल करवाने के लिए। जो एम्बुलेंस है वो भी यहीं पर खुद आती है। डॉक्टर आशीष ने कहा है कि चारों जो है आतंकियों के मेडिकल जरूर करवाए जो कि जा चुके हैं। अगर मैं आम लोगों की बात करूँ तो आपको किसी में डर जरूर नजर नहीं आएगा। जी हाँ, आप देख सकते हैं लोग जो है आपको यहाँ पर आराम से घूमते फिरते आसपास जो है नजर जरूर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको लोग जो है नजर नहीं आने वाले। अगर मैं बात करूँ तो चारों आतंकी बताए जा रहे हैं जो है बब्बर खालसा आतंकी संगठन से संबंध रखने वाले हैं। जी हाँ, चारों आतंकी जो बताए जा रहे हैं कि बब्बर खालसा आतंकी संगठन से संबंध रखने वाले हैं, वही चारों जो है उनमें से एक लुधियाना का रहने वाला है, वही दूसरा जो बताए जा रहे हैं बाकी तीन जो है वो फिरोजपुर पंजाब के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिरोजपुर के ही खेतों में जो है ड्रोन की उस मदद से कंसाइनमेंट उतारा जाता है और उसमें एक पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस और साथ साथ देख सकते हैं कि किस तरह से 1.5 लाख कैश बरामद होता है। बड़ा मामला जरूर सामने आता है। फिलहाल आपसे अपील रहेगी वीडियो को लगातार शेयर जरूर करते हैं। आमजन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। लोगों में डर फिलहाल नहीं है क्योंकि चार आतंकी बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है मीडिया को भी यहाँ से हटने की हिदायत जरूर दी जा रही है। साथ साथ कहा जा रहा है कि आतंकियों को यहां से लेकर जाया जाएगा, मेडिकल उनका करवा लिया गया। आपसे अपील यही रहेगी वीडियो को लगातार शेयर जरूर करते रहें। फिलहाल देख सकते हैं कि यहां से जो गाड़ियां हैं वो निकलने वाली है चारों आतंकियों को लेकर। जी हां, ये चारों आतंकियों को लेकर गाड़ियां निकल रही है, बताया जा रहा है कोर्ट में पेश करने के लिए निकल रही है। लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, ये लाइव तस्वीरें यहाँ देख सकते हैं। तमाम टीमें SHO मधुबन जी हाँ जहाँ पर जो है पकड़ा जाता है, देख सकते हैं चारों गाड़ियां आपको निकलती हुई। जी हाँ, चारों गाड़ियां आपको निकलती हुई नजर, चारों आतंकियों को लेकर जो है यहाँ से निकल चुके हैं। आपसे अपील रहेगी वीडियो को लगातार शेयर। ये गाड़ियां देख सकते हैं चारों आतंकियों को लेकर जो है टीमें निकल चुकी हैं। लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से जहाँ चार आतंकियों को जो है पकड़ा जाता है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से देख सकते हैं चारों आतंकी। जी हाँ, आतंकी संगठन से संबंध रखने वाले चार आतंकियों को करनाल बस्ताड़ा टोल प्लाजा से पकड़ा जाता है और मेडिकल भी CIA 1 में ही जो है करवाया गया है। मेडिकल भी CIA 1 में जरूर करवाया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं चारों आतंकियों को लेकर जो है पुलिस की टीमें निकल चुकी है। जी हाँ, चार आतंकी चारों पंजाब के रहने वाले। तो देख सकते हैं चारों संदिग्ध आतंकियों को कोर्ट में लेकर पेश करने के लिए पहुंचे हैं। जी हाँ, चारों आतंकियों को लेकर कोर्ट में पेश करने के लिए पहुंचे तमाम टीमें। जी हाँ, को बता दूं करनाल बस्ताड़ा टोल प्लाजा से किस तरह से चार जो है आतंकियों को पकड़ा जाता है, उसके बाद आप ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से देख पा रहे हैं जहाँ पर चारों आतंकियों को कोर्ट करनाल कोर्ट में पेश करने के लिए जो है टीमें लेकर पहुंच चुकी हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से, ये लाइव तस्वीरें। आपसे अपील करूंगी कि वीडियो को लगातार जो है शेयर जरूर करें। जी हाँ, चारों आरोपियों को लेकर जरूर पहुंचे हैं, ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से। जी हाँ, सुबह 4:30 के आसपास करनाल बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर करनाल बस्ताड़ा टोल प्लाजा से जो है चारों आतंकियों को गिरफ्तार जरूर किया गया है। बब्बर खालसा आतंकी संगठन से संबंध रखने वाले जरूर बताए जा रहे हैं। जी हाँ, बब्बर खालसा आतंकी संगठन है जिससे संबंध रखने वाले बताए जा रहे हैं। तीन आरोपी फिरोजपुर करनाल के रहने वाले, वहीं एक आतंकी बताया जा रहा है लुधियाना का रहने वाला है गुरप्रीत, जो बताया जा रहा है, कहा जा रहा है ऐसा कि वो जो है जेल में जाता है, वहां पर उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है और मुलाकात के बाद वो व्यक्ति जो है रिंडा नामक पाकिस्तानी में जो आतंक पाकिस्तान में रहने वाले रिंडा के डायरेक्ट संबंध में होता है, उसके बाद जो है वो जो है पाकिस्तान से फिरोजपुर ड्रोन के माध्यम से जी जो है भेजता है बरामद जो सामग्री जो है एक पिस्टल है, 31 जिंदा कारतूस है, 1.5 लाख रुपए
कैश है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से चारों आतंकियों को गिरफ्तार जरूर किया गया है। लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, जी हाँ, बस्ताड़ा टोल प्लाजा से, पंजाब से दिल्ली की तरफ जा रही गाड़ी, इनोवा गाड़ी, व्हाइट कलर की इनोवा गाड़ी में चार आतंकियों को बस्ताड़ा टोल प्लाजा करनाल सुबह 4 बजे के आसपास पकड़े जाते हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग महाराष्ट्र नांदेड़ के लिए निकले हुए थे। वहां से बताया जा रहा है जो कंसाइनमेंट है उसको तेलंगाना, जी हाँ, तेलंगाना में जो है डिलीवर करना था। लोकेशन जो है मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पाकिस्तान से इनको भेजी गई थी। जी हाँ, ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से। बड़ा मामला करनाल में सामने आता है कि किस तरह से आतंकी, चार आतंकी जिनका मेडिकल भी CIA 1 में ही करवाया गया, जी हाँ, CIA 1 में ही जो है इनसे पूछताछ जो है काफी देर से CIA 1 में की गई। पहले जो है मधुबन की टीम, मधुबन थाना में इनको रखा गया, उसके बाद आप देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से। जी हाँ, लाइव तस्वीरें, आपसे अपील रहेगी वीडियो को लगातार जो है शेयर जरूर करते रहे। जी हाँ, ये बड़ा मामला करनाल से सामने आता है जहाँ आतंकी संगठन से संबंध रखने वाले आतंकियों को पकड़ा जरूर गया है। जी हाँ, चार आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। आपसे अपील यही रहेगी कि वीडियो को जो है लगातार आप शेयर जरूर करते रहे। जी हाँ, लगातार वीडियो को आप शेयर करते रहे। किस तरह से जो है बड़ा मामला करनाल में सामने आता है, चारों आतंकियों को पकड़ा जाता है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या कुछ जो है CIA 1 में उनसे बड़ी देर से पूछताछ जरूर की गई और उसके बाद जो है उन्हें कोर्ट रूम में पेश करने के लिए किया जाता है। गुरप्रीत, जी हाँ, गुरप्रीत बताया जा रहा है, और जब गुरप्रीत जेल जाता है तो वहां पर उसकी मुलाकात राजवीर से होती है। राजवीर जो डायरेक्ट जो है रिंदा, पाकिस्तान के रिंदा से जो है संबंध रखता था और उनकी बातचीत करवाई जाती है। करीब 9 महीने से ये संपर्क में थे। जी हाँ, 9 महीने से ये संपर्क से मिले थे और IB की सूचना के आधार पर करनाल पुलिस सुरक्षा एजेंसियों ने जो है बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर नाका लगाकर इनोवा गाड़ी में चेकिंग के लिए रोका और उसमें से जो है चारों पुलिस, चार आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, तस्ला इनकी तलाशी जब गाड़ी से ली जाती है तो उसमें से एक असला बारूद बरामद किए जाते हैं। जी हाँ, असला बारूद बरामद किए जाते हैं। आपसे अपील रहेगी वीडियो को लगातार शेयर जरूर करें। 3 लोहे के कंटेनर इनसे बरामद होते हैं, 1 देसी पिस्तौल, 31 जिंदा कारतूस, जी हाँ, 1.5 लाख कैश और साथ साथ 3 लोहे के कंटेनर बरामद होते हैं। टीम ने उनका एक्सरे करवाया, इसमें जो है एक्सप्लोजिव की पुष्टि होती है, उसमें एक्सप्लोजिव की पुष्टि जरूर होती है। चारों आतंकी को के बदले मोटी रकम मिलनी थी। जी हाँ, मोटी रकम इन्हें मिलनी थी। अगर ये इस चीज को, सभी से अपील यही रहेगी कि वीडियो को आप शेयर जरूर करते रहे। विस्फोटक पदार्थ की जो लोकेशन है वो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जरूर बताई जाती थी। वहीं अगर आतंकियों के मैं नाम आपको बता दूं, गुरप्रीत, अमनदीप, परविंदर और भूपेंद्र, जो चारों पंजाब के रहने वाले हैं, 3 जो है फिरोजपुर के रहने वाले हैं और साथ साथ जो 2-1 है वो लुधियाना का रहने वाला था। इन्होंने असला जो है हरविंदर सिंह ने इन्हें असला सप्लाई किया था और उसे आदिलाबाद तेलंगाना में जो है पहुंचाने का काम जरूर सौंपा था। व्हाइट कलर की इनोवा गाड़ी से इन्हें पकड़ा जाता है, चारों आतंकियों को। गुरुवार सुबह आतंकियों को नेशनल हाईवे से गिरफ्तार किया जाता है। चारों आतंकी इनोवा गाड़ी में जो है मौजूद थे और गुप्त सूचना के आधार पर इनको नाका लगाकर रोका जाता है। आपसे अपील रहेगी कि वीडियो को आप शेयर करें। वहीं आतंकी हरविंदर सिंह रिंडा ने आतंकियों को आदेश दिए थे। जी हाँ, हरविंदर सिंह रिंडा जो पाकिस्तान में है उसने इस बात के शेयर जरूर करें। जी हाँ, वीडियो को शेयर, ये चारों आरोपी, जी हाँ, चारों आरोपियों को कोर्ट में जो है पेश जरूर किया जाता है। ये चारों आरोपी, जी हाँ, ये चारों आरोपी देख सकते हैं, ये चारों जो है आरोपी हैं, चारों पंजाब के रहने वाले हैं, जिनके पास से बड़ी मात्रा में असला बारूद बरामद होता है करनाल कोर्ट में, जो इन्हें अब पेश किया गया था। आपसे अपील करूंगी वीडियो को शेयर जरूर करें। करनाल कोर्ट, जी हाँ, करनाल कोर्ट में इन्हें पेश किया जाता है। CIA 1 में इनसे गहनता से पूछताछ जरूर की जाती है और उसके बाद आपने देखा कि तो
देख सकते हैं पाकिस्तान के रहने वाले हरविंदर सिंह उर्फ रिंडा के संबंध रखने वाले चार आतंकियों को करनाल में गिरफ्तार किया जाता है। इनके पास से 1.5 लाख कैश, एक देसी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस और साथ साथ 3 ID बरामद होती है। 3 बड़े जो है कंसाइनमेंट जिनका वजन लगभग 2.5 किलो के आसपास बताया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा भारी मात्रा में बारूद इनके पास था। और आपको वो लाइव तस्वीरें मधुबन करनाल से भी दिखाई। मधुबन थाना की टीम सुबह 4:30 बजे के आसपास जो है इन्हें बस्तारा टोल प्लाजा करनाल से पकड़ा जाता है। आपसे अपील यही रहेगी वीडियो को लगातार शेयर जरूर करते। तो 10 दिन का रिमांड मिला है। जी हाँ, 10 दिन का रिमांड मिला है। फिलहाल 15 मई तक जो है उन्हें CIA 1 में ही बताया जा रहा है, रखा जाएगा। आपसे अपील करूंगी वीडियो को शेयर जरूर करें। चार आतंकी जो है पकड़े जाते हैं, चारों पंजाब के रहने वाले हैं। और किस तरह से जो है 1 लुधियाना और 3 फिरोजपुर का रहने वाले आतंकी संगठन से संबंध रखने वाले। जी हाँ, डायरेक्ट पाकिस्तान में जो हरविंदर सिंह रिंडा है उससे संबंध रखता था। उसके बाद जो है वो इन्हें लोकेशन मोबाइल ऐप के माध्यम से लोकेशन भेजी जाती थी कि कहां पर कंसाइनमेंट जो है डिलीवर करना है। जी हाँ, ये इस फिलहाल जो है पंजाब से दिल्ली नंबर गाड़ी में, इनोवा व्हाइट कलर की गाड़ी में निकले हुए थे, जिन्हें सुबह 4 बजे के आसपास बस्ताड़ा टोल प्लाजा से पकड़ा जाता है। और साथ साथ आपको बता दूं महाराष्ट्र नांदेड़ जो है बताया जा रहा है ये लोग जाने वाले थे, और तेलंगाना के आदिलाबाग में जो है ये कंसाइनमेंट डिलीवर करना था मोबाइल ऐप लोकेशन के माध्यम से। पाकिस्तान से इनको जो है अपडेट लोकेशन की भेजी जाती है। आपसे अपील यही रहेगी कि वीडियो को शेयर जरूर करें। बड़ी खबर करनाल से। जी हां, करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा से 4 आतंकियों को पकड़ा जाता है। फिलहाल उन्हें 10 दिन के रिमांड पर, 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। 15 मई तक ये रिमांड रहने वाला है। अब देखने वाली बात रहेगी कि इस मामले में क्या कुछ और जो है मामला साफ होगा या नहीं। जी हाँ, फिलहाल यही है कि पाकिस्तान से जो आतंकी संबंध रखते थे वो इतनी भारी मात्रा में असला बारूद, जी हाँ, 1 से 1.5 लाख कैश, 1 जो है देसी पिस्टल, 31 जो है जिंदा कारतूस और 3 जो है 3 लोहे के बॉक्स में जो बारूद होता है उसे लेकर निकले हुए थे। आपसे अपील यही रहेगी वीडियो को लगातार शेयर जरूर करते रहे। मैं आरती राणा, सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।